हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू द डिस्कस बुक विस्तार्स क्लास 12th चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग फिफ्थ पार्ट। इसमें जो फाइव पार्ट्स में जो स्टोरी है काल्की ने इसको नरेट किया हुआ है। तो फर्स्ट टू फोर पार्ट फर्स्ट वीडियो में फिनिश कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप देख सकते हैं। इसका जो लास्ट फिफ्थ पार्ट है वो इसमें स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगन। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हीज टैली ऑफ मर्डर ऑफ 100। अब जब वो क्या करता है कि अब उसका एक टारगेट रह जाता है 99, उसने टाइगर्स को क्या कर दिया है, किल कर दिया है और उसको डेकोरेट कर दिया था अपने जो पैलेस है उसमें। अब वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर पिच पर है, एक्सट्रीम पे है कि व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी टोटल 100 में अब वो बिल्कुल क्या है, थोड़ी सी दूर है जो उसका टारगेट है, वो उसको अचीव करना चाहता है, अभी भी रह गया है। तो उसकी उसको बहुत ज़्यादा क्या है, एंजाइटी है। एंड ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। वो दिन में तो ये सोचता ही रहता है पूरे दिन के किस तरीके से मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करूँ, और रात में भी उसको सेम यही ड्रीम रहता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपना टारगेट जो टोटल 100 का है वो अचीव करना है, अभी वो रह गया है। और बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ की क्या है, एंजाइटी हो रही है। एंड अब यहाँ पे बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हीज फादर इन लॉ किंगडम। और जो फादर इन लॉ का जो किंगडम था वहाँ पे भी क्या हो चुका है, बिल्कुल टाइगर जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी उसको मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है टाइगर का। येट ओनली वन मोर वॉज नीडिड, लेकिन फिर भी उसको चाहिए तो ना, चाहे ख़त्म हो गए हों लेकिन उसको एक मोर टाइगर की ज़रूरत है। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो अपना कंप्लीट कर लेगा टारगेट तो उसको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो फिर क्या करेगा, हमेशा के लिए महाराजा उस टारगेट को जो वो हंट करता है टाइगर का वो छोड़ देगा, क्योंकि उसके बाद उसको नीड ही नहीं है उसकी। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट द लास्ट टाइगर व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला था, यानी जो सबसे चीफ एस्ट्रोलॉजर था, कि जो लास्ट वाला आपका टाइगर है उससे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर वी वेयर ऑफ द 100th। वो बहुत ज़्यादा क्या है, 99 उसने मार दिए हैं लेकिन फिर भी उसको क्या होना चाहिए, 100 जो टाइगर है उसके लिए उसको सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, और वो कहता है ये सच है, तो क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है कि ये कोई इजी टास्क नहीं है, और हमेशा क्या करना चाहिए उसको, जो कि पहले भी ऑलरेडी बोल दिया था जो एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने ये प्रिडिक्ट करके बोल दिया था कि आपको 100 वाले में प्रॉब्लम आने वाली है। एंड द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, सेवेज यानी जो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है। वैसे ही जो टाइगर है वो तो एक ऐसा बीस्ट है, ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है, क्रूएल है। आफ्टर ऑल वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, तो उसके लिए सावधान होना तो ज़रूरी है, उसके लिए कॉशन होना, उसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एंड व्हाट वर वॉज द 100 टाइगर टू बी अ फाउंड, लेकिन मुझे 100 टाइगर ढूंढना ही है। इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लीव टू टाइगर, ऐसा दिख रहा है जैसे दूध टाइगर का ढूंढना ईजी है लेकिन लाइव टाइगर को ढूंढना, जिंदा टाइगर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड द महाराजा वॉज संग इन ग्लूम, वो सैड में बिल्कुल डूब गए हैं, ग्लूम यानी सैडनेस। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द दैट ग्लूम, डिस्पेल्ड यानी रिमूव होना। और फिर जल्दी एक ऐसी न्यूज़ आती है जिससे कि राजा की सारी सैडनेस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इन हीज ऑन स्ट्रेट शी बिगन टू डिसअपीयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, उसके ही स्टेट में गांव में
जो हील स्टे मतलब हील साइड है वहाँ से जल्दी शीप्स क्या हो रही हैं, डिसअपियर होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। इट वॉज़ फर्स्ट इज एज शर्टन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरा सामी नायकर, यानी जो ये सोच रहा था कि ये काम क्या है, ये लोग ये नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो पक्का है कि इन्होंने ये दोनों का मतलब शिप को डिसअपियर करने में इन दोनों के पीछे हाथ नहीं है। बोथ क्योंकि फेमस क्या है, एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, यानी ये बहुत प्रसिद्ध हैं शिप को गायब करने में, स्वेलो करने में। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, बट ये इनका काम तो नहीं है। ठीक है, वीरा स्वामी नायकर और खादर मियाँ साहिब, इन दोनों का तो काम है नहीं शीप को गायब करने में, तो श्योर है टाइगर का ही काम है। विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और विलेजर्स भाग के जाते हैं राजा को इन्फॉर्म करते हैं। महाराजा अनाउंस अ 3 ईयर एग्जेप्शन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन ऑन द हंट एट वंस, और वो उसी टाइम पे अनाउंस कर देता है कि 3 साल तक अब तुम्हें छूट दी जाएगी, कोई भी टैक्स तुम्हें भरना नहीं पड़ेगा। और वो कहता है जल्दी से हंट के का मतलब तैयारी करो, सेटअप लगाओ। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। एंड इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी इच्छा से छुप गया है और महाराजा का जो आज्ञा है उसको ना मानने के लिए, यानी फ्लाउट यानी डिसऑबे लॉ, आज्ञा को ना मानना। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहा है, यानी इनडेलिब्रेटली वे, अब जानबूझकर, ठीक है। वॉन्टनली मीन्स वो अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है, महाराजा से, यानी उसकी ये इच्छा है कि महाराजा की इच्छा के अगेंस्ट में जाके वो अपने आप को क्या करे, छुपा ले। एंड द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज टू द लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने मना कर दिया जब तक हम फॉरेस्ट से अब नहीं जाएंगे, जब तक कि टाइगर हमें नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ड, दिन ऐसे ही बीतते गए, द महाराजा फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और उनकी जो ऑब्स्टिनेसी थी यानी जो डिटरमाइन था, या उनका जो एंगर था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, माउंटेड हो रहा था अलार्मिंगली, और चिंताजनक तरीके से ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था। बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी खोई इस चक्कर में, क्योंकि वो अपना वर्क सही से नहीं कर रहे थे, तो राजा को ऐसा लगा और उनको जॉब से निकाला। वन डे व्हेन हीज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे था, बहुत ज़्यादा था, महाराजा कॉल द दीवान, उन्होंने दीवान को बुलाया, ऑर्डर दिया, एंड डबल टू द लैंड टैक्स फॉर विद, अभी से ही आप तुरंत जल्दी से क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे और डबल कर देंगे, और सभी जनता से आपको टैक्स लेना है अब डबल आज से ही। पीपल विल कम डिसकंटेंट कंटेंटेड, यहाँ पे वो दीवान कहता है लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे, आपसे खुश नहीं होंगे। दे अवर स्ट्रेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, तो वो हमारे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या कर लेगी, इसको आपके स्टेट को ले लेगी, कैप्चर कर लेगी, अगर यहाँ पे आपको जनता अनहैप्पी लगी या उनके कानों में कोई भी खबर ऐसी जाती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। दीवान बोलता है राजा से, इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, और किंग सेट द किंग बोलता है कि इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फॉर योर पोस्ट, यानी तुम्हें अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी देना पड़ सकता है। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, यानी अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी है कि जब दीवान है वो घर जा रहा होता है कन्विंस करके राजा को, तो वो सोचता हुआ जाता है कि महाराजा को अगर जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा हम सबको, और उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं, ग्रेट डैमेजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्स इसके रिजल्ट हो सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स यानी जो
हम सोच सकते हैं कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज, यानी सडनली कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा डैमेजेस बढ़ जाएं। एंड डिड नॉट टाइगर सून, अगर नहीं मिला तो ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड कैप्ट हिडन इन हीज हाउस। अब घर एक टाइम जब वो घर पे लौट रहा था, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर। एक उसको ये जब अच्छा फील हुआ, उसको लगा कि अब जान में जान आ गई है, जब उसने एक टाइगर को देखा किसी मतलब फ्रॉम द पीपल्स पार्क, पीपल पार्क से जो मद्रास में है वहाँ से एक टाइगर को लाया गया है और यहाँ पे किसी ने अपने घर में उसको छुपा के रखा हुआ है, मतलब इन हीज हाउस। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, एक रात को जब आधी रात को सब सो रहे थे, द दीवान एंड हीज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शॉव्ड इट इन टू द सीट। तो वो दोनों दीवान और उसकी वाइफ जाते हैं वहाँ पे और टाइगर को लेकर आते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, शॉव्ड करते हैं, मतलब यहाँ पे शॉव्ड मीन्स क्या होता है, पुश करते हैं बहुत ज़्यादा खींच के उसको। वो जो टाइगर होता है वो यंग नहीं होता, मतलब थोड़ा सा ठीक है उसका, उसको कार में पुश करके रख देते हैं सीट के ऊपर। एंड द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और कार कौन चलाता है, दीवान चला के लेकर आता है और स्ट्रेट बिल्कुल फॉरेस्ट में जाकर रोकता है जहाँ पे महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं वैन के लिए, मतलब उनका सेटअप लगा होता है। वैन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। और जब ऐसा लग रहा था मानो टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया हो, यानी नॉन वायलेंस मतलब प्रोटेस्ट किया हो, वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं निकल रहा था कार से, रिफ्यूज़ कर दिया। जब वो वहाँ पे पहुँचा, दीवान ने बहुत कोशिश करी उस टाइगर को कार से बाहर निकालने की। द दीवान वॉज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हीज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे वो बहुत एफर्ट करता है, जो दीवान होता है उसको पुश करता है और पुश करके गाड़ी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। हॉल मीन्स क्या होता है, पुल करना, और जिस तरीके से वो उसको पुल कर रहा होता है, खींच के नीचे लेके आ रहा होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जाता है, थक जाता है उसको अपना एफर्ट लगाने में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है केयरफुल तरीके से, थ्रोली केयरफुली एग्जॉस्टेड, वो जो एफर्ट लगा रहा था उसमें वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे फिर उतार के ग्राउंड में रख देता है। एंड फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे द सेम ओल्ड टाइगर, जो वो बूढ़ा टाइगर होता है, वेंडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इट हम्बल सप्लीकेशन। और वो नेक्स्ट डे जो ओल्ड टाइगर है वो खुद महाराजा के सामने जाके खड़ा हो जाता है और मानो ऐसा लगता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे प्रे कर रहा है, सप्लीकेशन यानी प्रे कर रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या कमांड है। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। उसको महाराजा के लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा खुशी का था कि वो बीस्ट उसके सामने है, वो जानवर उसके सामने है। द टाइगर फेल इक्रम्ड हिम, और उसने उसको मारा और वो नीचे ढेर हो गया जैसे ही उसने उसको मतलब शॉट करा। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, वो बहुत खुश होता है कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया। माई वो ही हैज़ बीन फुलफिल, मेरी कसम पूरी हो गई। महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, वो खुशी में बहुत ज़्यादा जॉय से भरा हुआ था, और ऑर्डर देता है टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक परेड के साथ, शानदार परेड के साथ, परेड निकालो, प्रोसेशन निकालो, प्रदर्शन जैसे करते हैं इस तरीके से, परेड निकालते हुए आप कैपिटल तक लेकर आओ, स्टेट तक लेकर आओ। एंड महाराजा हैज़ टर्न अवे इन हिज कार, और जल्दी से वो अपनी कार में चले जाते हैं ये कह के। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे वो वहाँ से जाते हैं, महाराजा हंटर्स वेंट टू द टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो हंटर्स उसके पास आते हैं, उसका देखते हैं ध्यान से। द टाइगर लुक बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बफलमेंट, तो अभी कन्फ्यूज़न, उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न दिख रहा था, वो अभी
जिंदा था टाइगर एंड द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. उन्हें पता चला कि वो अभी मरा नहीं है. एंड द बुलेट हैड मिस इट, और बुलेट जो है वो मिस हो गई. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, यानी जो बुलेट से निकलने वाला जो साउंड था उससे वो क्या हो गया, घरघराहट वाला जो साउंड होता है उससे बेहोश हो गया था एंड शॉक से. एंड हंटर वॉन्डर वट दे शुड डू. हंटर अब बहुत ज़्यादा वॉन्डर होते हैं कि हम क्या करें. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, के वो डिसाइड करते हैं महाराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि टाइगर नहीं मरा है. हैड मिस्ड हिज टारगेट, और उसको अगर पता चल गया कि उसने अपना टारगेट मिस कर दिया है तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा. इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स, और उनकी जॉब भी जा सकती है अगर उन्होंने ऐसा करा. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ 1 फुट, तो एक हंटर 1 फुट की दूरी पे जाके शॉट लगाता है टाइगर पे. एंड द टाइम इज दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और अपना मार्क मिसिंग करे बिना वो टाइगर को मार देता है. देन एज कमांडेड बाय द किंग, और जैसे ही फिर जैसे कि राजा ने कमांडेड दिया था, ऑर्डर दिया था, उसके अकॉर्डिंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरिड. वो एक क्या करते हैं, टाउन में उसको लेकर आते हैं, परेड लेकर आते हैं और उसको बरिड कर देते हैं. वहाँ पे उसका टॉम बनाते हैं, इरेक्टेड ओवर इट. वहाँ पे उसका मतलब क्या बनाते हैं, टॉम, यानी टॉम क्या होता है, मकबरा. वहाँ पे इरेक्टेड किया जाता है, ओवर इट यानी निर्माण किया जाता है, इरेक्टेड. एंड अ फ्यू डेज लेटर महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. अब कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था. अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हीज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग. अब तक जो भी, जब तक टाइगर नहीं मरा था तो वो सारा काम अपना ध्यान हंटिंग पे ही उसने लगा रखा था. ही हैड नो टाइम स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और अपने राजकुमार अपने बच्चे पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था. बट नाउ द किंग टर्न हीज अटेंशन टू द चाइल्ड, और अब वो टाइम था कि अब उन्होंने अपना सारा टाइम अपने बच्चे पे लगाया. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज द बर्थडे, और उन्होंने डिसाइड करा कि अपने बेटे को वो एक स्पेशल गिफ्ट देंगे उनके बर्थडे पे. उसके बर्थडे पे ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, और वो प्रतिबंधपुरम जाते हैं शॉप पे कि वहाँ की शॉप पर जो वहाँ का शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे एक शॉप पे वो सर्च करते हैं कि क्या गिफ्ट रहेगा जो बहुत अच्छा रहे. बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, बट उनको ज़्यादा अच्छा गिफ्ट नहीं मिल पाता है. फाइनली वो एक ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट. वो एक वुडन टाइगर शॉप पे जाते हैं जहाँ पे वुडन के टाइगर्स होते हैं. वो परफेक्ट गिफ्ट उसको सोचते हैं और वो डिसाइड करते हैं मैं ये वुडन टाइगर ही लूँगा. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर, यानी पुरानी ओल्ड मनी है उसको आना कहते हैं, तो उसकी कीमत इतनी है 1 आना, ठीक है, 1 आना में इतना. एंड बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ यू क्वार्टेड सच अ लो लो प्राइस टू द महाराजा. बट ये जो उनका प्राइस था बहुत ज़्यादा लो था. शॉपकीपर ने को पता था कि महाराजा के अकॉर्डिंग ये प्राइस बहुत लो है. ही वुड बी पनिश अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी के अकॉर्डिंग वो मुझे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे अगर उनको पता चल गया कि इसका प्राइस बहुत कम है. सो ही सेड योर मजेस्टी दिस इज़ द एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. तो वो इसे महाराजा से झूठ बोलते और कहता है कि क्राफ्टमैनशिप का ये गुड एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइगर है. अ बार्गेन एट द 300 रुपीज़, और उसको 300 रुपीज़ में वो बताता है उसके प्राइस और बार्गिन करता है. वेरी गुड, और महाराजा कहते हैं वेरी गुड, लेट लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. और वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से जो ये ऑफर किया गया है ये मैं ले लेता हूँ और क्राउन प्रिंस के बर्थडे के लिए, और वहाँ से वो गिफ्ट लेके चला जाता है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्ले विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस रात राजा और उसके राजा का बेटा दोनों वुडन टाइगर से खेलते हैं. इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, और वो ऐसा बना हुआ था जैसे अनस्किल कारपेंटर ने उसको बना दिया हो. सारा कर्व्ड था, यानी मतलब फिनिशिंग नहीं थी, थोड़ा सा उभरा हुआ था कहीं से. उसकी जो फिनिशिंग थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. इट्स सरफेस वॉज अ रफ, बहुत ज़्यादा खुरदुरा था.
टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप अले लाइक अ क्विल्स ऑल ओवर इट. जैसे फर्दर्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, ऐसे ही उसमें सिल्वर्स निकले हुए थे वुड के, यानी जो स्मॉल स्मॉल पीसीज होते हैं लकड़ी के, छोटे छोटे छोटी सी वो निकली हुई थी, पीसीज निकली हुई थी. सिल्वर्स यानी स्मॉल पीसीज, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं और वो निकले हुए थे, जैसे मानो पंख निकले होते हैं. वन ऑफ दो सिल्वर पिट्स द महाराजा राइट हैंड, और एक लकड़ी का जो सिल्वर है वो उसमें छुप जाता है महाराजा के राइट हैंड में. ही पुल इट टू पुल इट आउट, उसको वो बाहर निकाल लेता है विद हिज लेफ्ट हैंड से, दूसरे हाथ से वो उसको निकाल लेता है. एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ वो खेलने के लिए क्या हो जाता है, फिर से खेलना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड, और इन्फेक्शन जो राजा के पूरे हाथ में फैल जाता है अगले दिन तक. इन 4 डेज इट डेवलप्ड इन टू अ सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और चार दिन के अंदर अंदर वो जो सपरेटिंग था, यानी जो पस था, वो उसकी पेन, मतलब जो घाव था, ठीक है, बुंड था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल बुंड था, वो क्या हो गया, यानी जो पस पड़ गया था, फुल ऑफ पस, जो घाव था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और बहुत ज़्यादा पस उसकी उसमें आर्म्स में फैल गया था, पूरी बॉडी में धीरे धीरे उसका असर दिखाई दे रहा था. आर्म्स के साथ साथ थ्री फेमस सर्जन बुलाए गए थे, ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास से. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. फिर वो कंसल्टेशन करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करेंगे उसको. ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया जाता है. द थ्री सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. जब वो तीनों सर्जन परफॉर्म करने के बाद थिएटर से बाहर आते हैं, अनाउंस करते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा इज़ डेड. मानो ऐसा लग रहा था जैसे जो प्रोडक्शन चीफ ने की थी एस्ट्रोलॉजर ने, वो सच हो गई है. इस तरीके से कंट्रास्टिंग व्यू में ये लाइन बोली गई है. इन दिस मैनर द 100 टाइगर्स टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. और ऐसा लग रहा था कि जो 100 टाइगर का जो रिवेंज था वो इस टाइगर किंग से लिया. फाइनल जो 100 टाइगर था उसने सभी का रिवेंज ले लिया, जितने भी टाइगर थे. फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और टाइगर किंग के ऊपर ये उनका रिवेंज था. इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.